हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं संदीप यादव और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हाईटेक। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेकर आता हूं। आपको जैसा पता होगा तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूट्यूब का URL जो पहले सिर्फ एक बार ही चेंज कर सकते थे, वो अब URL यूट्यूब के नई गाइडलाइन के अनुसार आप उसको एक साल के अंदर दो या तीन बार चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी का यूट्यूब का चैनल पहले किसी और नाम से था, अब उसने किसी और नाम से चैनल बना लिया है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। पहले ये नियम नहीं था, पहले एक URL ही मिलता था लाइफ टाइम के लिए, सिर्फ एक URL। लेकिन अब अपना चैनल के नेम के हिसाब से अपन URL भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको URL चेंज करना सिखा देता हूँ। इससे फ़ायदा कुछ नहीं होता, लेकिन अपना यूनिक ID पासवर्ड हम लोगों को मिल जाता है। ID का यूनिक ID पासवर्ड हम लोगों के पास होता है, तो ये इसलिए होता है कि URL मिल जाए। लेकिन पहले ये 100 सब्सक्राइबर पर ही मिलता है, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। जिसके 100 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए हैं, तो कम से कम 100 सब्सक्राइब होना जरूरी है इसके लिए। तो 100 सब्सक्राइब होने पे ही आपको ये कस्टम URL के नाम से कुछ मिलता है। दोस्तों, मैं आपको ये लाइव दिखा देता हूँ कि कैसे, जिससे आपको पता लग जाए कि कैसे आप एक से अधिक बार इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसको लाइव दिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो। तो दोस्तों, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं। आप भी कोई भी ब्राउज़र यूज करते हैं, जिस भी ब्राउज़र के अंदर अपना यूट्यूब ओपन कर लें, अगर साइन इन नहीं कर रखा है तो पहले साइन इन कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर में अपने यूट्यूब का आइकन दिखेगा, जैसे कि मैंने कर दिया। तो मैं यहाँ पे इसको देख क्लिक करके इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा फेस आएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके यूट्यूब का URL आ जाएगा, योर कस्टम URL है। मेरा है हाईटेक संदीप, तो मेरा ये पहले से ऐड है। अगर जिसका पहले से ऐड है वो इसको रिमूव करना पड़ेगा पहले। तो अपन क्लिक करेंगे लर्न मोर पे। लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद हम लोगों के सामने खुल के आएगा पेज। एक मिनट रुकिए, ये देखिए एक पेज खुल के आ गया जिसके अंदर तीन ऑप्शन, पहले यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था, तीन ऑप्शन आए हैं। जर्नल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, सेटअप ए कस्टम URL फॉर योर चैनल, रिमूव कस्टम URL एंड क्लेम ए न्यू। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ आएगा, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके ऊपर क्लिक कर दें अबाउट मी। तो अबाउट मी पे जब अपन क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा फेस खुल के सामने आएगा हमारे। तो चलिए दोस्तों, कुछ टाइम लग रहा है, अभी नेट स्लो चल रहा है हमारा थोड़ा। जैसा अभी फेस खुल के आएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे ये मेरा पीछे की साइड जो आ रहा है बैनर, ये मेरा पहले था, मैंने चेंज कर लिया। तो मैंने सब कुछ ही चेंज किया है, उसके साथ लोगो वगैरह, नाम वगैरह सब चेंज किया है। पहले हमारे चैनल का नाम जमा देसी था, फिर हमने चेंज करके इसका नाम हाईटेक कर लिया है। तो ऐसा कुछ खुल के आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा यूट्यूब कस्टम URL साइट्स। तो साइट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये यहाँ पे क्रॉस का निशान दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डिलीट कर देंगे और ऊपर ओके के निशान के ऊपर क्लिक करके ओके कर लेंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पे वापस आएंगे, तो वापस आने के बाद आपको यहाँ पे जो कस्टम URL यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये नहीं दिखेगा, इसकी जगह पर दिखेगा इट हेयर। यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना URL फिर से सेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक।